हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त गणेश कपूर। तो आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम। अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, गणेश कपूर इज बैक। नवरात्रे खत्म हो चुके हैं, गणेश कपूर वापस आ गया है। अब आपको डेली व्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको एक हफ्ता शायद नहीं देखने को मिले क्योंकि मेरे व्रत थे, मैं नहीं बना पाया। तो अब आपको डेली व्लॉग्स मिलेंगे। और आज है दशहरा और आज बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो आज यहाँ पे अमृतसर में दशहरा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे अमृतसर में रंजीत एवेन्यू में कितने अच्छे से दशहरा मनाया जाता है और रावण को जलाया जाता है, और वहाँ पे कितना क्राउड होता है और कितना लोग इन्जॉय करते हैं इस फेस्टिवल को। तो चलिए चलते हैं आज और दशहरा दिखाता हूँ आपको। वहीं जा रहा हूँ आज दशहरा देखने के लिए, ठीक है। तो आइए आज आपको दशहरा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है इनविटेशन दशहरा ग्राउंड जाने का जो मुझे मिला है। और ये जो दशहरा है रंजीत एवेन्यू में, ये मिस्टर अनिल जोशी जी और सुखबीर बादल जी जो हैं वो मना रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं दशहरा ग्राउंड और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ बने हुए हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आपको। चलो आओ दिखाता हूं आपको दशहरा। और आए हुए मुख्य मेहमानों का सम्मान कर।
बदलाव ये है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, पटाखे चल रहे हैं पूरे जोर से, और अमृतसर में जो दशहरा मनाया जाता है वो ऐसे मनाया जाता है। तो ये थी मेरी कोशिश आपको दशहरा दिखाने की। दोस्तों ये था अमृतसर का दशहरा जो आपने देखा। मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपको, मुझे प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो गाइस तो मिलेंगे हमारे अगले नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ सबसे, और लव यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। ये देखिए पीछे पटाखे चल रहे हैं, अमेजिंग नज़ारा दशहरे का, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार था।